हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल इंट्राडे गाइड शिवांश भसीन पे। सो गाइस, आज हम बात करेंगे कि मार्केट ने आज बहुत अच्छी खासी मूव दी है, पर मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था। आप देख सकते थे कि मार्केट शुरुआत में बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा था। मार्केट 27,000 बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, 27,650 के ऊपर नहीं निकल रहा था, बिल्कुल भी उसे क्रॉस नहीं कर रहा था। उसके बाद हमने देखा था कि मार्केट एक अप मूव दी, 27,700 के लेवल को टेस्ट करा, जो भी मैंने आपको अपने पिछले चार्ट्स में बताया था, आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था मैंने कि जो ये रेंज है कि मुझे लगता है कि ये उस लेवल तक पहुंच सकती है जो एक ट्रेंड लाइन है, तो उस ट्रेंड लाइन को एग्जैक्ट इसने टेस्ट करा है। बिल्कुल एक पॉइंट ऊपर नहीं ना एक पॉइंट नीचे, बिल्कुल एग्जैक्ट उसको टेस्ट करा। उसके बाद हमने देखा एक फॉल आई, फॉल आने के बाद मार्केट नेगेटिव में चली गई थी। आप जिस तरीके से देखा होगा आपने, मार्केट नेगेटिव में गई थी, उसके बाद वापस एक तेजी आई और मार्केट हायर्स में क्लोज हुई है, हाई लेवल्स में मार्केट क्लोज हुई है। तो गाइस, ये जो इतनी फ्लक्चुएशन हो रही है, कोई भी ऑप्शंस के अंदर काम नहीं कर पा रहा है। इंडेक्स के अंदर इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन होने लग गई है कि बहुत रिस्की तरीके से हमें ट्रेड्स को देखना पड़ रहा है, बहुत ध्यान से हमें ट्रेड्स को लेना पड़ रहा है, और हमारे जो टारगेट्स हैं वो अचीव होते नहीं है उससे पहले कि हमारे स्टॉप लॉस अचीव हो जाते हैं, और स्टॉप लॉस के बाद हमारा टारगेट अचीव होता है। सो भाई, ये जो मैनिपुलेटिव चल रही है मार्केट के अंदर, जो ये फ्लक्चुएशन चल रही है, ये हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, और ये शायद बजट की वजह से हो रहा है। जो इंटरिम बजट आ रहा है और जो इलेक्शन आ रहे हैं, क्योंकि 31 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा और ये 7 फेब तक या आसपास इंटरिम बजट की ये जो बैठक है वो चलेगी। सो गाइस, इसके बीच में बहुत फ्लक्चुएशन हो रही है मार्केट के अंदर, तो हमें बहुत कॉशियसली ही ट्रेड करना पड़ेगा। अब गाइस, मैंने ये क्यों लिखा हुआ है कि बाजार पलट सकता है, पलटने का क्या रीज़न है, तो मैं आपको चार्ट्स में वापस लेकर चलता हूँ। अगर आप मेरे प्रीवियस चार्ट्स भी देखेंगे तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि मैंने किस तरीके से आपको ये लिखवाया है। आज बाजार में बहुत ज़्यादा जो फ्लक्चुएशन हुई है उसका रीज़न क्या है, और मैं बहुत कंटिन्यूसली और बहुत सीरियसली FIIs को फॉलो कर रहा हूँ, तो उनका ट्रेंड भी मैं समझने की बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा हूँ। वो बहुत अच्छे तरीके से स्मार्ट प्ले करके अपने आप को बचा रहे हैं और हम जैसे लोगों के साथ प्ले कर रहे हैं। सो गाइस, अगर उनकी स्ट्रैटेजी मुझे समझ आ जाएगी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा, और उससे हम फिर अच्छा खासा प्रॉफिट अचीव कर सकते हैं। सो गाइस, कल 10 जनवरी के लिए कौन से स्टॉक्स में हमें बेट करना चाहिए, हम उसकी बात करते हैं। उससे पहले जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में स्टॉक सजेस्ट करे थे, जिसमें मैंने आपको टाटा एलेक्सी और भारत फोर्ज जो आपको मैंने बोला था, कंटिन्यूसली इनमें वॉच जरूर रखना, ये अपने बिल्कुल सपोर्ट पे खड़े हुए हैं और यहाँ से एक अपमूव आ सकती है। सो गाइज, इसमें हमने देखा था कि टाटा एलेक्सी ने हमारे स्टॉप लॉस को तोड़ा नहीं, और वहाँ से हमने एक बहुत अच्छी खासी 20 पॉइंट्स की अपमूव देखी। यानी कि जो लेवल पे मैंने आपको बाय बोला था, उस लेवल से इसने 20 पॉइंट्स की मूव दिया टाटा एलेक्सी ने, वापस वो नीचे आ गया था क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही थी। पर गाइस, हमने हमारी ट्रेंड लाइन को उसने ब्रेक नहीं करा, उसके ऊपर ही जाके क्लोजिंग दिया, तो दोबारा मैंने आज आपको बाय करने की सलाह दी है टाटा एलेक्सी के अंदर। हम टाटा एलेक्सी के अंदर होल्ड करके रखे हुए हैं जब तक ये अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग नहीं देती है। गाइस, भारत फोर्ज की बात करें तो भारत फोर्ज पे भी हमें फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया था, और अभी भी थोड़ी अप फ्लक्चुएशन के हिसाब से उसने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी है। और हमारे जो 5 स्टॉक थे उसमें से एक LTI था जिसने स्टॉप लॉस हिट करवाया और किसी ने नहीं करवाया, और सबके टारगेट्स हमें अचीव हुए। BPCL में अच्छा खासा हमें प्रॉफिट हुआ। तो गाइस, अब हम बात करते हैं कि कल कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें है उजीवन, IUC, टाटा एलेक्सी, मैकडोवल्स और रेपको होम। सो गाइस, उजीवन बाय करने की सलाह दी जाएगी 291-295 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 281 का लगा के चलना है। गाइस, उजीवन में आपको मैं बताना चाहूँगा, उजीवन जो है एक अपने अच्छे खासे सपोर्ट के ऊपर बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं उसके ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि लेवल है 277 या 276 का लेवल। सो गाइस, उसके नीचे वो क्लोजिंग नहीं दे रहा है, उसके नीचे वो नहीं जा रहा। सो गाइस, अब मुझे लगता है कि उजीवन को हमें बाय करने की मूवमेंट आ गई है। उजीवन एक बेस्ट टाइप है हमारे लिए बाय करने के लिए, और अगर हम बात करें 1 हफ्ते या 2 हफ्ते की बात करता हूँ, तो उजीवन हमें बहुत बढ़िया टारगेट अचीव करा के दे सकता है। मुझे जो एक्सपेक्टेड टारगेट्स लग रहे हैं वो हम मुझे लग रहे हैं 305 या 303 के। सो गाइस, वहाँ तक तो मुझे लगता है कि उजीवन जा सकता है कपल ऑफ डेज के अंदर, तो मैं इसे बाय करने की सलाह दूंगा जब तक ये क्लोजिंग बेसिस के अंदर 277 के लेवल को क्रॉस नहीं करता। अगर आप इसे 2 या 3 दिन के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो आपसे मैं सलाह यही दूंगा कि आप 277 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसको ट्रेल करते रहिए अपने स्टॉप लॉस को, और बाय करने की सलाह दी जाएगी। कोई भी टिप मिलती है 277 के ऊपर तो आप इसे प्लीज़ बाय करिएगा, इसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। IOC
शॉर्ट करने की सलाह दी जाएगी आपको आईओसी के अंदर, जिस तरीके से देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल वापस बढ़ना शुरू हो गया, वो ज़्यादातर हमारी मार्केट को इम्पैक्ट नहीं करेगा जब तक ये 60 के ऊपर नहीं जाता, क्योंकि एक 60 के नीचे या 48 के नीचे हमारी मार्केट के लिए क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा, और 60 के ऊपर वापस एक कंटिन्यूसली आएगी। तो 50 और 60 के बीच में जब तक क्रूड ऑयल है तब तक हमारी मार्केट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, हम देख रहे हैं कि अब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। जिस तरीके से मैंने आपको पिछले जो कॉल्स दी थी उसमें एक दिन पहले आज के लिए BPCL शॉर्ट करने के लिए सलाह दी थी, उसमें हमें बहुत ज़्यादा बढ़िया टारगेट अचीव हुआ। मैंने आपको 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस टारगेट दिया था, वो 10 पॉइंट्स का तक टारगेट हमें अचीव हो गया था। IOC के लिए भी आपको मैं दे रहा हूँ, ये भी 2 दिन के पर्पज से होल्ड करने की सलाह दे रहा हूँ। 2 7 1 129 127 के टारगेट के साथ स्टॉप लॉस आप 136 का मेंटेन कर सकते हैं। गाइस, आपको मेरी आवाज़ थोड़ी हम कम सुनाई दे रही होगी क्योंकि अभी मेरा गला ख़राब है तो मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पा रहा। सो गाइस, अब हम बढ़ते हैं टाटा एलेक्सी वापस बाय करने की सलाह। 959 जो मैंने आपको अपना प्रीवियस स्टॉप लॉस दिया था वही आपको मेंटेन करने की सलाह दे रहा हूँ मैं अभी भी। अगर आपने इसे होल्ड करके रखा है तो आप अभी भी इसे होल्ड कर सकते हैं फॉर द स्टॉप लॉस ऑफ 959। टारगेट जो आपको एक्सपेक्ट हो सकते हैं 978 991। मैकडोवल्स बाय करने की सलाह दी जाएगी, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था भारत फोर्ज के अंदर और हम कह सकते हैं टाटा एलेक्सी के अंदर पैटर्न बनाया, जो एक रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम कर रहा था, ट्रेंड लाइन सपोर्ट, वही मैकडोवल्स के अंदर हमने आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला। जैसे वायलेट नहीं करा उस सपोर्ट को, ट्रेंड लाइन सपोर्ट को, गाइस वो थोड़ा सा नीचे अगर हम बात करें तो वो 581 के लेवल्स के आसपास है, पर मैं आपको स्टॉप लॉस जो दे रहा हूँ इंट्राडे बेसिस के अंदर 587 का दे रहा हूँ। टारगेट जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्विंग ट्रेड या कि एक या दो दिन में आपको जो मैकडोवल्स में ट्रेड मिल सकता है वो 606 तक मार्केट में जा सकता है, मैं 2 दिन की बात कर रहा हूँ। रेपको होम बाय या सॉरी शॉर्ट करने की सलाह दी जाएगी। आप देख रहे हैं कि NBFC बहुत टाइम से ऊपर बढ़ रहा था, पर अब जो न्यूज़ आ चुकी है जो RBI गवर्नर NBFC के साथ जो बैठक कर रहे थे, पकाई जब मुझे लगता है कि इस NBFC सेक्टर के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है तो मैं उसमें रेपको होम को शॉर्ट करने की सलाह दूंगा। हम देख रहे थे कि रेपको होम ने बहुत अच्छी मूवमेंट दी है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा के दिए इन्वेस्टर्स को और रिटेल इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें। पर गाइस, अब ये अपने ऐसे रेजिस्टेंस पे आ गए, मूविंग एवरेज पे आ गए 100 डे के, तो गाइस वहाँ से एक ही स्लिप ले सकता है। जिस तरीके से उसने ऊपर की तरफ से स्लिप लिया है आज के ट्रेडिंग सेशन में, मुझे लगता है ये 2 दिन तक शॉर्ट करने के लिए बहुत बढ़िया है रेपको होम। 419-415 के टारगेट्स के साथ स्टॉप लॉस आपको 429.70 का लगा के चलना पड़ेगा। गाइज, इसमें मैं आपको जो 5 स्टॉक्स में मैं आपको एक सेक्टर के बारे में और देता, पर मैंने आज वो आपको नहीं दे रहा, जो कि है मेटल सेक्टर। गाइज, मेटल सेक्टर में मैं थोड़ा बहुत बुलिश भी हूँ क्योंकि जो ट्रेड वॉर है वो ट्रेड वॉर के बीच में अगर सुलग जाती है, जो हमें लग रही है कि जो सुलझ जाएगी, तो मेटल सेक्टर को सबसे ज़्यादा फायदा हो सकता है। बस गाइस, आज हमने देखा था मेटल सेक्टर के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग आई थी, एक और रीज़न था जो कि टाटा स्टील की हम बात कर रहे थे, जिसके जो अनुमान है जो वो बहुत कम आ सकते हैं, गंदे आ सकते हैं, तो गाइस उसकी वजह से हमने देखा वो एक प्रॉफिट बुकिंग आई है। पर कल शायद हो भी सकता है कि वो वापस एक आउट परफॉर्म दिखा दे, टाटा स्टील भी आउट परफॉर्म दिखा सकती है कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर, तो इसलिए अभी आपको मैं एक बाय करने या शॉर्ट करने की सलाह मेटल सेक्टर के अंदर नहीं दे रहा हूँ। कल के ट्रेडिंग व्यू में हमें जो मिलता है हम उसकी तरफ से रिएक्ट जरूर करेंगे। सो गाइज, अब हम बढ़ते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर जो एक मेन फोकस रह चुका है जिससे हमें अपनी मार्केट को डिराइव करने के बारे में पता चल जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म इन द सेंस कि 1 या 1.5 हफ्ते के लिए हम पता लगा सकते हैं कि मार्केट अब किस तरीके से जाएगी, और शायद हम जनवरी एक्सपायरी भी इस तरीके से पता लगा सकते हैं। सो गाइज, बढ़ते हैं चार्ट्स की तरफ। पहले मैंने जो ये ओपन करके रखा हुआ है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, जो भी आपको मैं बहुत टाइम से ये जो 2 सिर्फ ट्रेंड लाइंस हैं, जो ये एक रेंज है, इस रेंज के बारे में ही आपके साथ ट्रेडिंग कर रहा हूँ। इस रेंज के भरोसे पे ही हम चल रहे हैं, और एक जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, क्योंकि गाइस ये है कि जो मूविंग एवरेजेस है बहुत नीचे हैं, तो अभी हमें मूविंग एवरेजेस का कोई डर नहीं है, कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 2 चीज़ें, एक ट्रेंड लाइंस और एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, जो निफ्टी बैंक निफ्टी का बहुत अच्छे से काम कर रहा है, और अगर आप अभी इसको समझ जाएंगे तो आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो गाइस, ध्यान से बिल्कुल देखिएगा कि किस तरीके से मैं बता रहा हूँ। गाइज, सबसे पहली बात, फिबोनाची रिट्रेसमेंट में आपको बहुत बार बता चुका हूँ, 61.8% का रिट्रेसमेंट लेवल जो है, जिससे मार्केट ऊपर जाती थी वापस हम अगले दिन डिप देख लेते थे। आप देख सकते हैं वापस मार्केट ऊपर गई, वापस हमने एक डिप देख ली थी। कल के ट्रेडिंग सेशन में भी यही हुआ था, मार्केट ऊपर गई, न्यू हाइज बनाए, स्विंग हाइज, और मैंने आपसे कहा था कि स्विंग हाई से मार्केट वापस एक गैप अप गैप डाउन ले सकती है, वापस ट्रेंड लाइन पे आ सकती है। पर गाइज, आप देख सकते हैं कि ऊपर एक और ट्रेंड लाइन थी, पर जिस तरीके से मार्केट ने इस लेवल को क्रॉस करा था, आप देख सकते हैं कि जिसका स्विंग हाई है वो
प्रीवियस टू प्रीवियस डे बिफोर यस्टरडे के सेशन पे ही उसने ब्रेक कर दिया था, उसके बाद हमने एक पॉजिटिव कैंडल देखी थी, पॉजिटिव कैंडल, और इसको पूरा ऑब्जर्व कर लिया था, आप देख सकते हैं कि एब्जॉर्ब कर लिया था, जो लो था लो से रिकवर करके इस हाई को भी इसने तोड़ दिया था। इसका मतलब ये है कि गाइज अब हम कह सकते हैं कि इसको शायद ये ब्रेक नहीं करता, और जो मैंने आपको लेवल बताया था 27,700 का लेवल जो कि इस ट्रेंड लाइन पे है, वो ट्रेंड लाइन का टारगेट हमें अचीव हो गया था गाइस। अगर आप इसका हाई देखेंगे, आप हाई देख सकते हैं जो कि है 27,757 का लेवल, और जो मेरा आपको टारगेट दिख रहा था वो दिख रहा था आपको 27,760 का लेवल। सो गाइस वहीं पर जाके उसने एग्जैक्ट अपना हाई मारा और ट्रेंड लाइन के नीचे ही क्लोजिंग दी है। गाइस अब क्या हो सकता है, अगर हम प्रीवियस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं, तो अगर हम इस पैटर्न पर ऑब्जर्व करके चलते हैं, सो गाइस मुझे क्या लगता है कि आप देख सकते हैं मार्केट ने बहुत अच्छी अप मूव दी थी, एक गैप अप ओपन हुआ था और हमें लग रहा था ये एक ब्रेकआउट है, पर ब्रेकआउट से वापस मार्केट नीचे आई थी। गाइज ये एक इसने हैमर पैटर्न बनाया हुआ है, तो हैमर पैटर्न ये बुलिश पैटर्न है, सबसे पहली बात अगर हम करें बुलिश हैमर है, निफ्टी के अंदर ऐसे एक हैमर पैटर्न बना है पर वो एक बीरिश पैटर्न बना है। सो गाइज दोनों एक साथ ही चल सकते हैं। सो गाइज मुझे जो लग रहा है कि मार्केट यहाँ से एक वापस डिप ले सकती है और वापस अपने प्रीवियस सपोर्ट के ट्रेंड लाइन पे आ सकती है, ये हो सकता है। अगर ये ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक कर देती है क्लोजिंग बेसिस के अंदर, तो भी हम अपनी बाइंग पोजीशन नहीं बनाएंगे गाइस। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये दो दिन तक कंटिन्यूसली क्लोजिंग नहीं देती है विद अ ग्रीन कैंडल, नॉट विद रेड कैंडल, विद अ ग्रीन कैंडल, अगर ये मार्केट के अंदर या इस ट्रेंड लाइन के ऊपर दो दिन तक क्लोजिंग देती है, तभी हम बैंक निफ्टी के अंदर फ्रेश बाइंग बनाएंगे, और जो हमारे प्रीवियस हाईस थे 28,700 समथिंग के, गाइस वहां तक हमारी मार्केट जा सकती है दोबारा। पर गाइस जब तक ये इसके ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं देती है, हम इसे समझेंगे कि मार्केट वापस इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर सकती है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट गिर सकती है, मैं आपको बोल रहा हूँ मार्केट रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर सकती है। सो गाइस मैं आपको सलाह यही दूंगा कि मार्केट अगर आपको कल गैप अप मिलती है या फिर मार्केट में थोड़ी बहुत भी फ्लक्चुएशन आती है, तो आप मार्केट को एक बार शॉर्ट करके दोबारा चल सकते हैं, और आपको यहाँ तक के टारगेट्स मुझे एक्सपेक्टेड लग रहा है कि आप अचीव कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ, आप इसके अंदर 300 to 500 पॉइंट्स बैंक निफ्टी के अंदर अचीव कर पाएंगे अगर मार्केट मेरे हिसाब से इस रेंज के अंदर काम करना शुरू कर देती है। तो अब हम बढ़ते हैं निफ्टी के अंदर, तो निफ्टी पे भी हम देख सकते हैं कि निफ्टी किस तरीके से कंसोलिडेट कर रही है, मार्केट बहुत ज़्यादा रेंज बाउंड हो गई है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो गई है हमारी मार्केट। निफ्टी ने तो अपने प्रीवियस स्विंग हाई तक को ब्रेक नहीं करा, वहाँ से मार्केट ने एक फॉल ले लिया था, और ट्रेंड लाइन पे जिस तरीके से इसने सपोर्ट लिया था वो बहुत अच्छी बात थी, और अभी भी सपोर्ट के ऊपर ही ट्रेड कर रही है। पर गाइस आप देख सकते हैं इसने बियरिश हैमर पैटर्न बनाया है, और वो भी 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग के आसपास। अब हमारे लिए ट्रेड करने के लिए किस तरीके से वर्क करता है गाइस, सबसे पहले हमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा वो प्रीवियस हाई का मेंटेन करना होगा, जो कि लेवल है 10,920 का लेवल। गाइस 10,920-35 के लेवल पर हमें एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। निफ्टी अगर हमें 10,890 के आसपास मिलती है, यानी कि 50% रिट्रेसमेंट के आसपास, तो हम निफ्टी को शॉर्ट करेंगे, या फिर मार्केट खुलते भी हम निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 10,800 फर्स्ट एंड 10,770 सेकेंड। सो अगर मुझे नहीं लगता कि मार्केट इससे भी नीचे जाएगी, यानी कि 10,700 बहुत क्रूशियल सपोर्ट लेवल बन चुका है निफ्टी के लिए, जो मुझे लगता है अभी ब्रेक नहीं करेगा। तो यानी कि बैंक निफ्टी और निफ्टी के मुकाबले अगर हम देखें, तो निफ्टी 150 पॉइंट की करेक्शन दे सकती है, पर बैंक निफ्टी 500 पॉइंट की करेक्शन दे सकती है, तो सिमिलर कह सकते हैं कि एक ही बराबर है। पर गाइस अब हमें बहुत कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर, क्योंकि निफ्टी की भी ऑप्शन स्ट्रैटेजी ऑप्शन एक्सपायरी आ रही है, निफ्टी भी वीकली एक्सपायरी करेगा, तो ये भी मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ जाएगी। जो हम XJS निफ्टी देखते हैं कि बहुत सुस्ती से खुल रहा होता है, तो बहुत आसानी से हम देखते हैं कि 10-12 रुपये ऊपर नीचे खुल रहा था, वो भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा जब मार्केट ओपन होगी। तो हमारे लिए बहुत कॉशियसली हमें ट्रेड करना पड़ेगा निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। सो गाइस इस पैटर्न को आप रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं, अगर मैं आपको डेली बेसिस में ये चार्ट्स नहीं दिखाता, जब तक मुझे कोई पैटर्न नहीं दिखता, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं, जैसे आप अच्छा खासा ट्रेड ले पाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। जो मैं आपको चार्ट्स में समझाता हूँ, जो मैं इस तरीके से आपको सारी चीज़ें बताता हूँ गाइज, ये मैं खुद सर्च करता हूँ तभी मुझे आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा गाइज। अगली बार से जो मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, उसमें जो भी आपको मैं 5 स्टॉक्स देता हूँ, अब उसके साथ मैं आपके साथ चार्ट्स भी शेयर करूँगा कि मैं वो चार्ट्स में ऐसा क्या देखता हूँ कि मैं आपको वो 5 स्टॉक्स सजेस्ट करता हूँ। सो गाइज इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहूँगा,
और मैं आपसे मिलता हूँ कल नई अगली वीडियो के साथ।